बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू के चिप्स। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि फाइव पोटैटोज़ लिए हैं और इनको वॉश करके मैंने ड्राई कर दिया है। और अब मैंने ये पोटैटो कटर लिया है। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास पोटैटो ये वाला कटर नहीं है ना, तो आप पीलर से भी कर सकती हो, क्योंकि आपको बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस करने हैं। और अगर आप छुरी स्किल्स आपकी नाइफ स्किल्स अच्छी हैं, तो आप नाइफ से भी कर सकते हो। आपने बिल्कुल इतना पतला पतला रखना है, तभी आपके जो चिप्स बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो सारे के पोटैटोस को आपने इस तरीके से कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि वन बाय वन ट्राई करने के बजाय आप एक टिश्यू पेपर लें या फिर आप कोई कपड़ा लें और उसकी मदद से जो आलू में के ऊपर पानी होता है उसको सुखा लेना है आपने। एंड देन आपने पान ऑयल रखना है पैन में। चेक करने के लिए मैंने एक डाला, लेकिन अभी गर्म नहीं था, तो अभी गर्म हो चुका है हमारा ऑयल। मैं इसमें वन बाय वन जो है ना, सारे के सारे फ्राइज जो हैं वो डालूंगी। अच्छा, आपने ना इकट्ठे उठा के नहीं डाल देने, उसकी वजह उससे क्या होगा कि वो आपस में चिपक जाएंगे और वो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो आपने इस तरीके से वन बाय वन डालने हैं, और आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि चिप्स जो है ना वो काफ़ी पतले पतले हैं, तो मतलब पक तो ये बहुत जल्दी जाएंगे। बस कलर जो है ना वो आप पर डिपेंड करते हैं कि आपको कितना डार्क चाहिए या आपको कितने क्रिस्पी चाहिए। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ साथ थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, हमारे जो चिप्स है वो बिल्कुल तैयार है। मैं इनको निकाल लेती हूँ, बिल्कुल ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है कि कोई ऐसी चलनी जो होती है उसमें आपने निकालना है, ताकि एयर जो है ना वो पास होती रहे। अगर आप प्लेट में निकालेंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे, वो सारे के सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। हमने इसको इसी तरीके से क्रिस्पी रखना है, इसलिए हम इस तरह की किसी भी चलनी में निकाल लेंगे, ताकि एयर पास होती रहे और ये सॉफ्ट बिल्कुल भी ना हो। इसी तरीके से आपने सारे के सारे चिप्स जो है ना वो बना लेने हैं। एक ही दफ़ा सारे नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े करके बनाए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये मैंने सेकंड बैच जो है ना ये भी डाल दिया है, और इसको भी मैं पका लूँगी। और ये मैं निकालती हूँ, और उसके बाद मैं आपको सुनवाती हूँ कि आप आवाज़ सुने कि कितने क्रिस्पी बने हमारे फ्राइज़। अब मैं इस पे नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दूँगी, इसको मिक्स कर दूँगी। अब मैं फ्राइज़ को सर्व कर दूंगी, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाजार जैसे बने। आप मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।